स्टाइल्स देखने को मिल रहे थे. बट देन एट द एंड अगर बात करी जाए, ये देखिए मेरी जरूरत यहां पर पड़ेगी भी नहीं, इन लोगों ने ट्रॉफी उठा ली है एंड ये ट्रॉफी टीम सोल की देखने को मिलने वाली है. जिस तरीके से इन लोगों ने यहां पर, इनफैक्ट इन सभी ने भी मेहनत यहां पर काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से करी है. हर दिन की अगर बात करें यहां पर कुछ कुछ हम लोगों ने भी उल्टी सीधी बातें जरूर करी, लेकिन उसके लिए माफी जरूर दीजिएगा जी. लेकिन इन सब चीजों के बाद एक और अनाउंसमेंट बाकी रहने वाली है, वो रहेगी आईक्यू एमवीपी ऑफ द टूर्नामेंट. देखते हैं कौन वो रहने वाले हैं खिलाड़ी जो कि आईक्यू एमवीपी बनने वाले हैं. आई मीन कोई शक तो नहीं होगा अगर बोला जाए कि एक्स्ट्रा 2.5 लाख गोब्लिन की झोली में जाने वाले हैं. टीम सोल के गोब्लिन आईक्यू एमवीपी बनते नजर जरूर आएंगे. इनका हार्डवर्क भी काफी ज्यादा अच्छा था और वेल आई मीन हर चीज के राइट्स अपने हिसाब से इन लोगों ने, इन इस टीम ने इनफैक्ट बना करके रखे हैं. चलिए चलते हैं अगले चीज के ऊपर जो रहेगा, मोस्ट फिनिशेस बाय अ स्क्वाड पावर्ड बाय लोको. 166 फिनिशेस टीम सोल के पास जाते हुए, 2 लाख और. गिनती करते रहिए कितने इनके पास टोटल आने वाले हैं यहां पर. और अगर और चीजों की यहां पर बात करी जाए तो रैम्पेज भी गोब्लिन के ही पास है, 1 लाख और आता हुआ यहां पर टीम सोल की झोली में. ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सारे पिटारे इन्हीं के लिए खुले हैं आज, और भी शायद चीजें रहने वाली है. लोन सर्वाइवर अक्षत के पास 1 लाख और जाता हुआ. अगर बात करी जाए इस टीम के पास, इन प्लेयर्स के पास, चाहता हूं फैन फेवरेट टीम भी टीम सोल के पास है, 1 लाख और इस टीम के पास जाता हुआ. वेल और भी बचे, मैं फैन फेवरेट प्लेयर गोब्लिन के पास जाता हुआ, 1 लाख और उनके पास जाता हुआ. पता चले कि कहीं ना कहीं वो 75 लाख से 1 करोड़ तक जा रहे होंगे. लेकिन चलिए प्लेयर ऑफ द डे की बात करें तो डे वन की बात करी जाएगी पहले. एनिग्मा की यहां पर आते हुए अपनी टीम के लिए एक अच्छा योगदान इन्होंने दिया था. डे टू की अगर बात करी जाए, सोल गोब्लिन एक और बार आते हुए, 1 लाख और उनकी झोली में जाएगा जरूर जिस तरीके से रहे हैं. लेकिन यहां पर ये प्लेयर रुकना कहां जानता है. डे थ्री की बात करें, सोल गोब्लिन फिर से यहां पर आते हुए हमें दिखाई दे जाएंगे वापस से. बट डे फोर सोल गोब्लिन वापस से आते हुए दिख जाएंगे. ऐसा लगता है सिर्फ साइड में डे 1, 2, 3, 4 बदल रहा है, बाकी सारा स्लाइड सेम ही है. बट स्टिल प्लेयर ऑफ द डेज इनफैक्ट ये दिखने को मिले हैं दूसरे तीसरे चौथे के. तो आप बोल सकते हो पहला शायद वार्म अप के हिसाब से खेला गया था, बट देन अगेन ये जो पूरी टीम यहां पर रही है, जिस तरीके से इस टीम ने यहां पर कहीं ना कहीं इन गेम्स को एक जान दी है अलग सी. हम सब कास्टर्स काफी ज्यादा एंजॉय हम लोगों ने भी किया है. आई एम टॉकिंग अबाउट फिक्सर्स आर का एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द इंग्लिश डेस्क. जिस तरीके से इन लोगों का भी वहां पर एक अच्छा योगदान रहा, आप जानते हैं एंकी को, मेजी को, स्पिरो को आप जानते हैं. ये लोग, ये तीनों भी यहां पर काफी ज्यादा बेहतरीन थे. थोड़े बहुत जोक्स, स्पिरो की टांग खिंचाई हो जाती थी, बट खैर वो सब चीजें चलती रहती है. बट चलिए चलेंगे ओवरऑल स्टैंडिंग्स की तरफ एंड जा करके देखेंगे किस तरीके से ये जो उलट फेर हुआ आखिरी गेम के अराउंड वो क्या था, कैसे था. और